जैसे ही कवि बोले वैसे ही खद्दरदारी नेता को देखी और सब मुझे देखे हा 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 करने लगे। तो मैंने अपने बचाव में भी एक कविता, चूंकि एक दिन हुआ हमारी बहन के साथ मेरा बाघ की युद्ध होने लगा फोन पर, छोटी बहन अंकिता सिन्हा के साथ, तो मैंने कुछ कुछ कविताएं अपनी भी बोली और कुछ चुरा उरा के भी, नेता हूं तो थोड़ा चुरा उरा के भी बोला, तो ये पकड़ ली, बोले नहीं नहीं भैया ये तो आप दूसरा का बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखो तुम विशुद्ध कवि हो इसलिए तुम अपनी पूरी कविता पढ़ो, हम आधे कवि हैं, नेता और कवि है, तो हमारा चुराने का भी राइट है, इसलिए थोड़ा चुराएंगे थोड़ा मिलाएंगे फिर सजा के आपके बीच में सुपुर्द कर देंगे। तो हमने कहा कि चोर सभी वो नेता बन गए, चोर सभी ये मैं अपनी बोल रहा हूँ ये अपना वाला है, चोर सभी वो नेता बन गए डकैत बने एमएलए, चोर सभी वो नेता बन गए डकैत बने एमएलए, बीएम में पास किया वो रोटी घर में बेले, बाप कहे बेटा से बेटा गाओ फिल्मी गाना, बात बात में पत्नी अपने पति को मारे ताना, विद्यार्थी पिस्तौल दिखाकर शिक्षक को धमकाए, देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए, देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए, काम करे नीचे से नीचा जर को ना शरमाए, देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए, अनपढ़ बन गए गाड़ी ओनर पढ़े लिखे आवारा, अनपढ़ बन गए गाड़ी ओनर पढ़े लिखे आवारा, रोजी रोटी कुछ न मिला तो एजेंट बना बेचारा, और बात दरोगा की मत पूछो सबको डर लगता है। ठीक ही कहा श्यामल भाई ने कि हम पुलिस से नहीं पंगा लेते हैं, तो बात दरोगा की मत पूछो सबको डर लगता है, दोषी निर्दोषी दोनों से मोट रकम लेता है, और बस और ट्रेन की कौन कहे, अरे बस और ट्रेन की कौन कहे, जब बैंक लूटा जाए देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए, काम करे नीचे से नीचा जर को न शरमाए। अभी बात हो रही थी बड़ा बाबू की, श्यामल भाई कह रहे थे कि हमको डर लगता है पुलिस से, गई हाथी को पकड़ने के लिए, तो जब हाथी को पकड़ने पहुंची है तो चूहा देखा कि एक भैंसी भाग रही थी, तो चूहा ने कहा अरे तुम क्यों भाग रही हो, जब हाथी को पुलिस पकड़ने आई है तो तुम क्यों भाग रही हो। तो भैंसी ने कहा कि अरे चूहा तुम जानते हो कि मैं भैंस हूं, मैं जानती हूं कि मैं भैंस हूं, लेकिन यदि जेल भेज देगा तो 20 साल लगेगा हमको साबित करने के लिए कि हम हाथी नहीं हम भैंस हैं। तो भैया पुलिस से तो डरना ही होगा, बिना पुलिस से डरे हुए चलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं, क्योंकि यदि पुलिस वालों ने मुझे नहीं पीटा होता तो शायद आज विधायक और मंत्री साहब हम नहीं बन पाते, इसलिए इनका भी एहसान हमारे ऊपर है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।